वेलकम बैक पॉलिटेक्निक पंडित, मैं सत्यम फिर से जुड़ चुके हैं एक बार आप हमारे साथ और बात होने वाली है पोस्ट हार्वेस्ट के साथ। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट का सेकेंड लेक्चर है, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशन देखेंगे ताकि हम अपने जिंदगी में कुछ बेहतर कर सके। लिखा हुआ है कि स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी सी क्या मन में अगर किसी के खिलाफ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या मन में उलझन आ गया, शक आ गया, तो क्या क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप एंड ड्रीम। आपके घर परिवार और आपके जो ख्वाब है सपने हैं वो सब क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उसको बचाए रखने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही क्या करते हैं, हम लोग सेशन को चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है मखाना प्रोसेसिंग के बारे में जानना है कि आखिर मखाना प्रोसेसिंग होता क्या है। दूसरा जानना है कि फ्लो डायग्राम, उसका फ्लो डायग्राम क्या होता है, और ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, बहुत VVI होता है, तो इसको हमको जान के चलना है। उसके बाद देखेंगे चूरा मिल, क्या देखेंगे, चूरा मिल देखेंगे, जिसको पोहा भी कहा जाता है, गुजरात वगैरह में चूरा को जो है पोहा के नाम से जाना जाता है, और उसका फ्लो डायग्राम देखेंगे। फ्लो डायग्राम मतलब उसको शॉर्ट वे में कैसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी बातों को हम इस लेक्चर के अंदर बखूबी से समझेंगे। ठीक है, अच्छा ये सारी बात तो हम समझ लिए, लेकिन हम जो भी तथ्यात्मक बात जानेंगे क्या हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है, तो हाँ बिल्कुल, ये जो भी पढ़ा रहे हैं पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आने वाला है, और ये सारी चीज आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही बखूबी लिख कर आना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं चूरा, क्या लिखते हैं चूरा, जिसको क्या बोलते हैं पोहा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है पोहा। ठीक है, चलिए कहाँ, गुजरात वगैरह में, जैसा कि हमने अभी बताया, लिखा है इट इज फ्लैटेड राइस ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम इंडिया सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि इसको कहाँ उपजाया जाता है, तो इंडिया और इंडिया के अगल बगल जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें क्या इसको क्या किया जाता है, उपजाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, तो चूरा को मोस्टली यहीं पे कहाँ, सब कॉन्टिनेंट, और क्या हमारा इंडिया में ही क्या लोग जानते हैं, क्या खाते हैं, बाहर भी खाते होंगे लेकिन इंडिया में वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और क्या देखते हैं कि राइस इज पैराबॉल, तो भाई हम चूरा कैसे आखिर लेते हैं, चूरा को कैसे आखिर हम क्या करते हैं बनाते हैं, तो इसका क्या क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाय जो राइस होता है, राइस को हम बॉयल करते हैं, क्या करते हैं पैराबॉयल करते हैं, बिफोर फ्लैटिंग सो डैट कैन बी कंज्यूम्ड आइदर वेरी लिटिल टू नो कुक। ठीक है, तो क्या है कि हम जो मेरा जो चूरा होता है, राइस जो होता है, राइस को हम सबसे पहले क्या करते हैं, उबालते हैं। आप लोग देखे हुए गाँव वगैरह में दादी माँ लोग क्या करती है, चूरा जो होता है, चूरा को कुटवाने से पहले क्या करती है, पानी, गुनगुना पानी में उबालती है, किसको उबालती है, तो धान को उबालती है। ठीक है, पानी में डाल देती है, पहले तो फुलाती है, फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी में क्या कर देती है, उबाल भी देती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, निकालती है, तब जाकर मशीन की तरफ भेजती है। तो वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो हमारा होता है राइस, जो हमारा धान होता है, उसको हम क्या करते हैं, पैरा बॉइल्ड पानी में थोड़ा सा उबाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम भेजते हैं मशीन की तरफ। तो क्या करते हैं, पैरा बॉइल्ड राइस को हम क्या करते हैं, मशीन में भेजते हैं, और हम क्या करते हैं, फ्लैटिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको मशीन कूटता है, क्या करता है, उसको पकड़ पकड़ के मशीन में दे दे के कूट कूट के बहुत पतला सा लेयर में कन्वर्ट कर देता है, और वो लेयर इतना पतला होता है कि उसको हम सीधा खा सकते हैं, मतलब उसको बना चावल या दाल की तरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब्जी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब सीधे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम खा सकते हैं सिंपली वे में, कुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, भोजन के रेडी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्या हो जाता है हमारा ऑलरेडी क्या हो जाता है, कुक्ड हो जाता है, खाना हमारा बन जाता है, बना हुआ होता है और हम खा सकते हैं, किसको, चूरा के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब आप लोग लिख लेंगे, और यही ऐसे ही इसी वे में आप एग्जामिनेशन में लिख के आएंगे। ठीक है, और ये जो मशीन है इसी का है। ठीक है, इसी मशीन के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई फ्लो डायग्राम क्या है, चूरा देख रहे हैं, ये भाई साहब जो है चाचा जी हमारा क्या कर रहे हैं, मशीन में चूरा प्रोग्राम का जो है सेटल बैठा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसका फ्लो डायग्राम आखिर
क्या है और चूरा मिल कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या प्रोसेस हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। पहला जो हमारा पैडी, पैडी मतलब धान, ठीक है। पहले हम क्या लेते हैं, अपने धान को ले लेते हैं। धान को लेने के बाद क्या करते हैं, शॉकिंग करते हैं। क्या करते हैं, शॉकिंग करते हैं, पानी वानी में देते हैं ताकि फूल उल जाए, नहीं उसमें से जो कंकर पत्थर है वो सब साइड वाइड हो जाए, ठीक है। तो पानी में हम फूलने के लिए दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉकिंग पैंडी को लेते हैं, जो फूला हुआ हमारा जो धान है उसको हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद रोस्टिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। किसमें सुखा लेते हैं, तो धूप में। धूप में सुखाने से क्या हो जाता है, रोस्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। रोस्टिंग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग करने के दौरान क्या होता है कि हम जितने भी हमारे चूरा जो हम लिए हैं, कि कौन सा जो पानी में फूला हुआ है, जो हम गर्म पानी में उबाले चाहे ठंडा पानी में जो हम फूलने के लिए दिए थे, उस चूरा को लेते हैं। रोस्टिंग के दौरान क्या करते हैं, हम मिल में जब भेजते हैं तो उसमें क्या करता है, गर्म जो तावा उसके अंदर प्लेट होता है मशीन के अंदर, वो क्या करता है, बार बार उसको घुमाता है, थोड़ा सा भूनता है। किसको भूनता है, तो जो हमारा शॉकिंग पैडी है उसको थोड़ा सा रोस्ट करता, थोड़ा सा फ्राई करता। फ्राई करने के बाद फिर से हम रोस्टिंग पैडी को निकाल लेते हैं, जो थोड़ा सा भुना गया है, ठीक है, थोड़ा सा जो कंप्लीट हो गया उसको हम वहां से निकाल लेते हैं। उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, उसको फ्लैकिंग करते हैं, मतलब उसकी कुटाई करते हैं। मतलब कुटाई मतलब माड़ वाली कुटाई नहीं है, ठीक है। क्या करना है, उसको चिपता करना, पीट पीट के छोटा छोटा क्या कर देना, लेयर में कन्वर्ट कर देना, पतला लेयर बना देना। तो क्या करना, फ्लैटिंग कर देना है, फ्लैकिंग करना है। उसके बाद फ्लैकिंग, जो फ्लैकिंग हो गया राइस, उस फ्लैकिंग राइस को फिर क्या हो, फ्लैकिंग राइस हमारा किसमें, चूरा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फ्लैकिंग राइस है वो मेरा लास्टली चूरा में, फ्लैकिंग करेंगे, फ्लैकिंग करते 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 वो जो फ्लैकिंग राइस मेरा चूरा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैकिंग राइस मेरा चूरा में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको चाहिए भी तो था चूरा ही, तो चूरा मेरा कन्वर्ट हो गया। तो ये भाई साहब इस मशीन में डालेंगे, इस मशीन में डालने के बाद क्या करें, रोस्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद हमारा चूरा बन के यहाँ आ जाएगा। तो ये सारा बात था किसका, चूरा का। चूरा ऐसे ही हम क्या करते हैं, मशीन में भेजकर रेडी करते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन ये आना ही है, एसबीटी आपको पूछेंगे ही एग्जामिनेशन में, फिक्स है, ये क्वेश्चन आना ही है। तो इसको आप अपने दिमाग में इस कदर सेट कर लीजिए, फ्लो डायग्राम के थ्रू शॉर्टकट हम कैसे लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, और ये पूछा ही जाता है, ठीक है, वीवीआई है। चलिए आगे देख लेते हैं मखाना प्रोसेसिंग। भाई ये भी जो जो पढ़ा रहे हैं ये वीवीआई ही है, ठीक है, और क्वेश्चन जब हम करवाएंगे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसमें आप देखिएगा इसमें सिमिलरली एक एक पॉइंट आपके सामने निकल कर आएगा, ठीक है, हर एक चीज मिलेगा। चलिए तो देख लेते हैं मखाना प्रोसेसिंग, ठीक है। तो द सीड ग्रो ऑन द लीफ इन अ पाउंड, भैया इसमें जो है मखाना, जो है मखाना कहाँ उगता है, तो पाउंड में। पाउंड मतलब का, पाउंड मतलब जो हमारा जो छोटा सा नदी पोखरा, पोखरा टाइप का जो होता है, ठीक है, जिसमें पानी स्टोर रहता है, उसमें ही क्या मखाना उगता है, कहाँ, पत्ती में। कहाँ, पत्ती में कनेक्ट होता है कौन, उसका सीड, बीज, और उसी बीज को हम क्या करते हैं, पत्ती से ले लेते हैं। और आइडियली स्टेजेंट वाटर, स्टेजेंट वाटर मतलब क्या, साफ पानी से, साफ पानी से क्या कर लेते हैं, कंक्लूडिंग अ सीड्स आर देन वाश एंड सन ड्राइड फॉर अ कपल ऑफ द आवर्स। मतलब कि हम मखाना को क्या करते हैं, पाउंड में से निकाल लेते हैं, पोखर में से निकाल कर कहाँ, पत्ती में के नीचे क्या होता है, हमारा सीड होता है, उसमें से उसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और ले लेते हैं। तो लेने के बाद उसमें गंदगी लगा होता है तो उसको अच्छे वाला पानी से क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं। धोने के बाद क्या कर लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा धूप में छोड़ देते हैं कुछ आवर सूखने के लिए, ठीक है, क्या कुछ आवर कुछ घंटा हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, हमारा सूख जाए कंप्लीटली मखाना। और तब जाकर हम क्या करेंगे, तो देखिए कैसे हम पफ बाहर लाते हैं, जो मखाना खाते हैं ना दुर्गा पूजा में, जो बहुत मतलब चलता है, ठीक है, लोग जो फलाहारी किए होते हैं अक्सर दुर्गा पूजा में मखाना का ही सेवन करते हैं, ठीक है, खाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। After they dry up the roasting in a pan, मतलब जो हम सुखा लिए किसको, मखाना को, तब अब उसको क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। रोस्ट मतलब भुनेंगे सॉरी ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारा जो है उसको हम भुनेंगे पैन पे, फिर क्या, एट हाई फ्लेम, बहुत ही तेज फ्लेम पे क्या करेंगे, भुनाई करेंगे। भुनने के बाद एंड देन हीट इमीडिएटली सो द ब्लैक से सॉरी ब्लैक सेल बैक आर ब्रोकन एंड व्हाइट पफ आउट। तब क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैक सेल टूट जाएगा और हमारा पफ बाहर आ जाएगा। मतलब क्या, हमारा जो व्हाइट वाला चाहिए था, ये हमारा जो है सीड है, ठीक है। तो कैसा, देखिए हमारा सीड कैसा होता है, ये हमारा सीड होता है, ठीक है, यही जो हमारा लगा होता पत्ता में, पत्ता से हम निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद सुखाते हैं और तब जाके उसको तवा पर भूनते हैं। भूनने के बाद जो है हमारा ऐसा वाइट कलर का पफ बाहर आ जाता है, ये जो सीड है ये क्या टूट जाता है, ये वाला जो देख रहे हैं हाथ इशारा कर रहा है, ये क्या टूट जाता है और इसी में से जो वाइट वाला बाहर निकल कर आ जाता है, जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये हमारा बहुत रिच न्यूट्रिएंट होता है,
ठीक है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारा डाइजेस्ट इससे बहुत अच्छा होता है, और जब हम इसको खाते हैं तो हमारा बॉडी में हर एक एक प्रकार की न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, मखाना की बात की जाए तो मखाना का सबसे अगर फेमस रिसर्च है, रिसर्च अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वो कहाँ पे है पता में पता है, तो वो भी अपने इंडिया में, और इंडिया में कहाँ तो अपने बिहार में, और बिहार में कहाँ तो मिथिलांचल, मिथिलांचल मतलब कहाँ दरभंगा में है, ठीक है, और दरभंगा में हमारा जो है मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है अवेलेबल है, और वहाँ पे ही वहाँ का मखाना जो है सबसे फेमस माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। आप देख सकते हैं इस हमारे मखाना के डायग्राम को, और मखाना का जो वहाँ का जो मखाना का हमारा क्वालिटी है, वहाँ का जो रिसर्च मखाना पर मखाना के ऊपर किया गया है, वो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड पे, वर्ल्ड में वहाँ से क्या मखाना हमारा सप्लाई होता है, और वहाँ का मखाना बेहतर और बेहतरीन होता है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हर एक एक जगह का अपना प्रचलित कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि आप भागलपुर के ले सकते हैं, सिल्क सिल्क वगैरह के बारे में, सिल्क भागलपुर का बहुत फेमस है, वैसे ही हमारा जो मखाना है वो हमारे दरभंगा का फेमस है, ठीक है, जो कि बिहार में आता है, और यहाँ का मखाना के, और मखाना के क्यों, मखाना के अंदर रिच न्यूट्रिएंट क्यों है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि जिसमें जो हमारा क्या वाटर, जिस जो भी फ्रूट हमारा वाटर में होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, बहुत बड़ी बड़ी लेटर में यहाँ पे शब्दों में लिखा गया, ठीक है, आप देख सकते हैं रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना, ठीक है, कहाँ पे है, दरभंगा में। तो ये हमारा एक डायग्राम दिखा लेकर आए आपके लिए, ताकि आप देख सके कि सच्ची में मखाना को जो है केंद्र दरभंगा में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो जितना भी सारी बात की गई, किसकी, मखाना की गई है, ठीक है, और मखाना का जो भी देख रहे हैं आप, जितना भी डायग्राम देख रहे हैं, हर एक एक चीज मखाना का है। ठीक है, और क्या है ये जो प्रोसेस है, ये जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछने ही वाला है, VVI है, और 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहाँ से आएंगे, और आपको ये सारे चीज को जो है याद रखना ही रखना है। ठीक है, इस मशीन के थ्रू जो है किए जाते हैं। अब चलिए डायग्राम, फ्लो डायग्राम की बात कर ले थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या होता है, मखाना का लीफ होता है, क्या होता है, पत्ता होता है। ठीक है, मखाना का क्या होता है, लीफ होता है, डायग्राम होता है, पत्ता होता है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो हमने बताया है कि पत्ता के नीचे क्या होता है, मखाना होता है। ठीक है, और वहां से हम क्या कर लेते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, देखिए वहां से हम बाहर ले लेते हैं, किसको बाहर ले लेते हैं, तो लीफ को, लीफ से हम मखाना को अलग कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे फ्रेश वाटर से हम क्या कर लेते हैं, इसको साफ सफाई कर लेते हैं, फ्रेश वाटर से क्या कर लेते हैं, हम इसको धो लेते हैं, उसके बाद सन ड्राइड में भेज देते हैं, ताकि सन से थोड़ा सा जो सूख उख जाए, और सूखने के बाद थोड़ा सा पैन पे रोस्ट कर देते हैं, भून देते हैं, और भूनने के बाद क्या हो जाता है, हमारा ब्लैक वाला सिल्क टूट जाता है, और हमारा पफ व्हाइट वाला जो हमने अभी जस्ट दिखाया है वो हमारा बाहर आ जाता है, और ये मशीन के थ्रू ही होता है। तो ये VVI क्वेश्चन था, ये पूछेगा ही। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारे पॉलिटेक्निक परिवार पे अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी परिवर्तन आती है तो हमारे और हमारे टीम के द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।